तो आप लोगों को बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि सही में अगर आप लोग गरीबी रेखा में आते हैं आपके परिवार को प्रत्येक महीना 2000 रुपए की धनराशि मिलेगी। अगर आपको नहीं पता तो बता दें, हमारे देश में 11 करोड़ से अधिक परिवारों को जनधन योजना के अंतर्गत पैसा मिल रहा है। मोदी सरकार देश के गरीबों के लिए जो जनधन योजना की शुरुआत की थी, आज उसी जनधन योजना के अंतर्गत अगर आप लोग भी जुड़ जाते हैं और आवेदन कर देते हैं, एक निःशुल्क आवेदन, निःशुल्क का मतलब होता है आपका 1 रुपये नहीं लगेगा, आपके परिवार को प्रत्येक महीना 2000 रुपये मिलेगा। आपको बता दें, मोदी सरकार की जनधन योजना इसीलिए चालू की गई थी ताकि केंद्र सरकार कोई भी सरकारी योजना को चालू करे, उस योजना का सीधे फायदा गरीब परिवार को दिया जा सके। अगर आप लोग सच में गरीबी रेखा में आते हैं तो ये वीडियो बिना भगाए अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये योजना सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई गई है। अगर आप लोग सरकारी नौकरी नहीं करते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर आप लोग पहले से ही सरकारी नौकरी कर रहे हैं, ये वीडियो छोड़ दीजिए, हम आपका समय नष्ट नहीं करना चाहते हैं। अब आपका भला समय नष्ट किए बताते हैं सीधे सीधे कि कैसे आपको आवेदन करना है और कैसे आपको प्रत्येक महीना 2000 रुपये की धनराशि मिलेगी। तो आपको बता दें कि जनधन योजना से जुड़ने के लिए आपके पास कुछ दस्तावेज होने चाहिए, जैसे किसी सरकारी बैंक में जनधन खाता होना चाहिए। आपका जनधन खाता अगर पुराना हो गया तो आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों से लिंक कराना होगा। तीसरा, अगर आप लोग टैक्स के दायरे में आते हैं तब आप आवेदन नहीं कर सकते, और अगर आप लोग सरकारी नौकरी में हैं तब तो आपको जगह मिलेगी ही नहीं। अगर आप लोगों के पास ये दस्तावेज उपलब्ध हैं, आपके पास एक जनधन खाता है, तो आपको एक निःशुल्क आवेदन करना है, जिसके बाद आपको प्रत्येक महीना 2000 रुपये कैसे मिलेगा चलिए बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना दे दें, हमारा चैनल देश के गरीबों की शक्ति के लिए काम कर रहा है। हम लोग रोज कोशिश कर रहे हैं कि देश के गरीबों तक हर सरकारी योजना को पहुँचा सकें। आपको अगर नहीं पता तो बता दें, माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के गरीबों के लिए ऐसी कई सरकारी योजनाओं को चालू कर चुके हैं, जिससे हमारे देश के गरीब परिवारों को मुफ्त में मकान मिल रहा है, बिजली मिल रही है, पानी का कनेक्शन मिल रहा है, और हर सरकारी योजना में आपको आवेदन करना होता है। इसीलिए आप लोग समाचार न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी सरकारी योजना है उसके बारे में आपको सबसे पहले पता चल जाए, कैसे उसमें आवेदन करना वो हम आपको समझा दें। और अगर आप लोग सच में गरीबी एकता में विश्वास रखते हैं, इस वीडियो को लाइक करें और एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें गरीब एकता जिंदाबाद। अब आपका हम समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं करेंगे, आपको बता दें कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपको प्रत्येक महीना 2000 रुपये मिले, तो ध्यान रखिएगा आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत जुड़ना होगा। अब ये कौन सी योजना है? ये वो योजना है दोस्तों, जिसके अंतर्गत अगर आप लोग जुड़ जाते हैं तो आपके परिवार को कैसे 2000 रुपये मिलेगा, इसकी प्रक्रिया क्या है चलिए आपको समझाते हैं। देखिए, आपकी उम्र अगर 18 साल से 40 साल के बीच में है, आप लोग अगर सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, गरीबी रेखा में आते हैं, मजदूरी करते हैं, श्रमिक हैं, तो आप लोगों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चालू की गई है। इसका फॉर्म और इसकी जानकारी आपको नजदीकी पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा। इसमें आप लोगों को 18 साल से 40 साल के बीच में जुड़ना होगा, प्रत्येक महीना 50, 100, 150, 200, 250 रुपए जमा करने होंगे, जिसके बाद जैसे आपकी उम्र 60 साल पहुंचती है, जैसे आपने स्कीम ली होगी 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, वैसे आपको मिलना चालू होगी एक निर्धारित पेंशन। आपको बता दें, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना देश के गरीब परिवारों के लिए चालू की गई है। इस योजना के अंतर्गत हमारे देश में करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं। इसकी सारी जानकारी आपको नजदीकी पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगी। यहां पर एक एक चीज हम बताएंगे तो आपको लंबा हो जाएगा वीडियो। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत जुड़ जाएं, अपने ही नहीं अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर लें, क्योंकि जैसे ही आपकी उम्र 60 साल पहुंचेगी आपको मुफ्त में भारत सरकार पेंशन देगी। आपको सिर्फ 50-100 रुपए खर्च करने हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत जुड़ने के लिए। तो इस तरीके की हर काम की खबर को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, गरीबी एकता में विश्वास रखते हैं, वीडियो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें गरीब एकता जिंदाबाद।